कुछ दिन पहले करमबीर नाम के व्यक्ति को चौगामा गांव से आगे चोट मार दी थी अननोन व्यक्तियों ने। वो अपनी ससुराल संधारी गांव से वापस आ रहा था, तो किसी अननोन व्यक्ति ने उसको चोट मारी थी और फिर वो उसका इलाज चल रहा था। इलाज के करीब 1.25 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगी हुई थी और हमने पूरी मेहनत करके अंकित संधारी और बलराम गुमथला राव को गिरफ्तार किया है और जल्द ही अन्य आरोपी भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे और आज उनको पेश अदालत करके 2 दिन पुलिस रिमांड के लिए है। अभी तो तफ्तीश के दौरान 3 व्यक्तियों का नाम आ रहा है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो 2 व्यक्तियों को कल पकड़ा। तो कहाँ से गिरफ्तार किया? इनको इंद्री से किया, इंद्री बस स्टैंड नजदीक जीटी रोड से। तो ये मोटरसाइकिल पे करमबीर अपनी ससुराल संधाली से वापिस आ रहा था बाइक पे, और जब ये अंकित नाम का लड़का, ये कोई रंजिश रखता है इनसे पहले से, इसने अपने 2 दोस्त और तैयार किए, अपना बलराम और रोहित जो गुमथला राव के हैं, वो ये तीनों बाइक पे उसके पीछे लग गए और इन्होंने पीछा करके गुमथला चौगामा गांव से आके निकल कर इसको रोका और रोक के इस पर एकदम हमला कर दिया। अंकित के ने रोड लोहे की राड से और एक के पास डंडा धर, ये बलराम जो लड़का है इसने ईंटें मारी है, जिसकी करीब 1.25 महीने बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। और आज ये 2 व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए और अन्य भी जल्दी गिरफ्तार। तो इनकी कोई रंजिश है पहले अंकित की और जो इसका साला है कोई नीरज उस गांव का, इनकी कोई आपस में रंजिश है। मरने वाले लड़का करमबीर कल बेटा वीरेंद्र के बयान तक, तो मरने तक करमबीर मोदी पहुंच गया।